हेलो सिविल इंजीनियर्स, दिस साइड संदीप सिंह, प्रोफेशनल एस्टिमेशन इंजीनियर एंड कॉरपोरेट ट्रेनर। आई वेलकम यू अगेन इन आवर ऑफिशियल डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ रेनफोर्स क्वांटिटी सर्वेयर एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। इट्स अ वेंचर कंपनी ऑफ वन ऑफ द रेपुटेटेड पीएमसी रेनफोर्स कंस्ट्रक्शन एंड प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड। टुडे आई एम हेयर फॉर द डिस्कशन ऑफ ब्लॉक मेसनरी वर्क फ्रॉम द लाइव प्रोजेक्ट ऑफ मल्टी स्टोरी टावर। इन दिस सेशन आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ ब्लॉक फ्रॉम द मशीनरी एंड हाउ टू फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ मोर्टार फ्रॉम द ब्लॉक मशीनरी एंड हाउ टू फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट एंड सैंड फ्रॉम द मोर्टार। सो यू कैन सी हियर, दिस इज द ड्रॉइंग ऑफ मल्टी स्टोरी टावर। ये जो ड्रॉइंग देख रहे हैं वो आपको टावर का फ्लोर प्लान दिया हुआ है। ये आपको एक फ्लोर प्लान दिया हुआ है। जब आप इस फ्लोर प्लान को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम इसको फोर पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये आपका फर्स्ट विंग दिया हुआ है, ये आपका सेकंड विंग है, और ये आपको थर्ड विंग दिया हुआ है, और ये आपको एक फोर्थ विंग दिया हुआ है। इस सभी विंग्स को हम एक कॉमन कॉरिडोर के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं। आप ये देखेंगे 1.5 मीटर वाइड एक आपको कॉरिडोर दिया हुआ है, जिसके थ्रू हम सभी विंग्स में कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे एक आपको कॉमन स्टेयरकेस दिया हुआ है, सभी सभी विंग्स में एक्सेस करने के लिए आपको यहाँ पे एक कॉमन स्टेयरकेस दिया हुआ है। जो आप किसी एक विंग को ध्यान से देखेंगे, मैं जूम करूंगा तो आपको समझ में आएगा। जब आप किसी एक विंग को ध्यान से देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि एक विंग्स में आपके 2 BHK के दो फ्लैट दिए हुए हैं। आप ये देखेंगे आपको एक ये फर्स्ट फ्लैट दिया हुआ है और एक आपको ये सेकेंड फ्लैट दिया हुआ है। मैं आपको थोड़ा जूम और करूंगा और आप अच्छे से समझ पाएंगे। ये देखेंगे आप, ये आपका 2 BHK के दो फ्लैट दिए हुए हैं। एक आपका फर्स्ट फ्लैट ये है और ये आपका सेकंड फ्लैट ये है। इस फ्लैट में आपको इस कॉरिडोर के थ्रू आपका यहाँ से एंट्रेंस दिया हुआ है, और इस वाले फ्लैट में इस कॉरिडोर के थ्रू यहाँ से एंट्रेंस दिया हुआ है। जब आप इस फ्लैट को ध्यान से देखेंगे तो आपको ये 2 BHK का है। आप देखेंगे आपको मास्टर बेडरूम दिया हुआ है, यहाँ पे आपको नॉर्मल बेडरूम दिया हुआ है, यहाँ पे एक हॉल है, किचन है, आपकी कॉमन टॉयलेट्स हैं, और आपको यूटिलिटी प्रोवाइड किया गया है। क्लियर। जब आप तो इस 2 BHK फ्लैट को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो आपकी आउटर वॉल है, ये आपकी आउटर वॉल दी हुई है, और जो आपकी इनर वॉल्स हैं, इनर वॉल की डायमेंशन की थिकनेस देखिए और जो आपकी आउटर वॉल है उसकी डायमेंशन की थिकनेस देखिए, तो आपको इसमें डिफरेंस समझ में आएगा। आपकी एक आउटर वॉल है, जो आपकी इनर वॉल्स दी गई है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टीशन वॉल। क्लियर। आपकी जो आउटर वॉल है वो आपकी 8 इंच, आउटर वॉल में हम लोग 8 इंची का ब्लॉक यूज कर रहे हैं, और जो आपकी पार्टीशन वॉल है उसमें हम लोग 4 इंची का ब्लॉक यूज कर रहे हैं। जब आप इसके पार्टीशन वॉल देखेंगे तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा, ये 4 इंची का है और जो आप आउटर वॉल देखेंगे आपको ये 8 इंची का है। क्लियर। तो हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, जो आपकी आउटर आउटर में जो आपकी वॉल दी हुई है उसमें हम लोग 8 इंची का ब्लॉक यूज कर रहे हैं, और जो आपकी पार्टीशन वॉल दी हुई है उसमें हम लोग 4 इंची का ब्लॉक यूज कर रहे हैं। क्लियर। तो इसके लिए मैंने एक एक्सेल शीट प्रिपेयर किया हुआ है, आप देख सकते हैं किस तरह से ब्लॉक मेसनरी वर्क का एक्सेल शीट प्रिपेयर किया जाता है। इस प्रोजेक्ट में हम लोग ब्लॉक यूज कर रहे हैं, यदि हम ब्लॉक की बात करें तो मार्केट में डिफरेंट टाइप्स के ब्लॉक अवेलेबल रहते हैं। मोस्टली जो हम लोग यूज करते हैं, आपने सुना होगा सॉलिड कंक्रीट का ब्लॉक आता है, SCC, सॉलिड सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक। AAC का ब्लॉक आता है, ऑटोक्लेव एरिएटेड कंक्रीट ब्लॉक। CLC का ब्लॉक आता है मार्केट में, सेलुलर लाइट कॉन्क्रीट ब्लॉक। आपके हॉलो ब्लॉक्स भी आते हैं मार्केट में, लेकिन जो मोस्टली हम लोग यूज करते हैं वो आपका होता है SCC ब्लॉक, सॉलिड सीमेंट कॉन्क्रीट, एंड AAC ब्लॉक, ऑटोक्लेव एरिएटेड कंक्रीट ब्लॉक। जो आपका SCC जो ब्लॉक होता है वो आपका सीमेंट कंक्रीट का बना होता है, उसका कॉस्ट कम होता है, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है, लेकिन उसमें फाइन फिनिश नहीं होता है, थोड़ा रफ रहता है, फाइन फिनिश उसमें नहीं होता है, लेकिन इसका वेट बहुत ज्यादा रहता है। जब हम लोग AAC ब्लॉक की बात करते हैं, ऑटोक्लेव एरिएटेड कंक्रीट ब्लॉक, तो आपका लाइट वेट रहता है, उसका स्ट्रेंथ कम रहता है, उसमें बहुत ही फाइन फिनिश होता है। क्लियर। और लेकिन वो बहुत ही कॉस्टली रहता है एज कंपेरिजन टू सॉलिड कॉन्क्रीट ब्लॉक। क्लियर। तो इस प्रोजेक्ट में जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो आपका है सॉलिड कॉन्क्रीट ब्लॉक, SCC। अब ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से मैंने एक ब्लॉक बनाया हुआ है, उसकी जो लेंथ है, इसमें जो डायमेंशन है वो डिफरेंट साइज के डायमेंशन अवेलेबल रहते हैं मार्केट में। आपको जिस डायमेंशन का चाहिए वो आपको मार्केट में मिल जाएगा। लेंथ देख सकते हैं आपको 600-400 mm अवेलेबल रहता है, डेप्थ आपका 200 mm अवेलेबल रहता है, और जो आपकी ब्रीथ है 100 mm, 150 mm, और आपके 200 mm में अवेलेबल रहता है। जो आपका 100 mm का ब्रेथ है उसको हम लोग बोलते हैं 4 इंची का ब्लॉक,
जो आपका 150 का ब्रेथ है उसको हम लोग बोलते हैं 6 इंची का ब्लॉक, और जो आपकी 200 mm की ब्रेथ रहती है उसको हम लोग बोलते हैं 8 इंची का ब्लॉक। आपने सुना होगा कि हम लोग 4 इंची का ब्लॉक यूज कर रहे हैं, 6 इंची का ब्लॉक यूज कर रहे हैं, 8 इंची का ब्लॉक यूज कर रहे हैं, तो वो उसकी ब्रेथ को आइडेंटिफाई करता है। क्लियर। डिफरेंट शेप और साइज के आपके ब्लॉक्स मार्केट में अवेलेबल रहते हैं, आपको जौन सा ब्लॉक यूज करना है आप उसको ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। क्लियर। लेकिन इस प्रोजेक्ट में जो हम ब्लॉक यूज करने वाले हैं वो आपका है 400 mm लेंथ, 200 mm डेप्थ, और आपका 8 इंची आपका ब्रेथ आउटर वॉल में। क्लियर। तो यही मैंने ब्लॉक डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, आप देखेंगे जो आपका आउटर वॉल है वो आपका 8 इंची है, और जो आपका इनर वॉल है उसमें मैंने 4 इंची लिखा हुआ है। क्लियर। इसके बाद आप देखेंगे ब्लॉक डायमेंशंस विथ मोर्टार विदाउट मोर्टार। ओके, ब्लॉक डायमेंशंस विदाउट मोर्टार, तो इसमें आपका लेंथ है, ब्रेथ है, डेप्थ है। लेंथ में देखेंगे आपका 400 mm का लेंथ दिया हुआ है, 200 mm का आपको ब्रेथ दिया हुआ है, और आपको 200 mm का डेप्थ दिया हुआ है। क्लियर। इसके बाद हम लोग जो उसमें मोर्टार यूज कर रहे हैं, तो मोर्टार का हम लोग थिकनेस कितना कंसिडर कर रहे हैं, 1 cm, मीन्स आपका 10 mm इसमें हम लोग मोर्टार यूज कर रहे हैं। जब आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपका 0.01 मीटर आ जाएगा। क्लियर। इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्लॉक डायमेंशन विथ मोर्टार निकालेंगे। ब्लॉक डायमेंशन विथ मोर्टार, तो आपका लेंथ है, ब्रीथ है, और आपका डेप्थ है। तो इसमें जो लेंथ कंसिडर कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं 0.41 मीटर, मीन्स आपका 410 mm। तो वो 410 mm किस लिए आया, जो आपका लेंथ दे रखा है 400 mm, ये हमने लेंथ कंसिडर किया है, जो आपका एक्चुअल ब्लॉक का 400 mm। इस पर हम लोग क्या करेंगे, इसमें मोर्टार लगाएंगे, तभी तो हम इसमें दूसरा ब्लॉक को ज्वाइन करा पाएंगे। ये आपका फर्स्ट ब्लॉक दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग मोर्टार लगाएंगे 1 cm का, फिर हम इसमें दूसरा ब्लॉक को ज्वाइन करेंगे। जब हम इसमें 1 cm का मोर्टार लगाएंगे तो जो आपको 400 का लेंथ है वो क्या हो जाएगा, 410 mm। क्लियर। तो इसलिए जो आपका लेंथ हो गया है 410 mm हो गया। इसी तरह से जब हम इस ब्लॉक की सेकेंड लेयर में लेइंग कराएंगे ब्लॉक को, तो जो आपके इस ब्लॉक के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, मोर्टार को लेइंग कराएंगे। आपको 1 cm का मोर्टार इसके ऊपर लेइंग किया जाएगा सेकेंड लेयर को लगाने के लिए ब्लॉक की। तो जो आपका 200 mm का जो डायमेंशन है वो कितना हो जाएगा, 210 mm का, क्योंकि हम यहाँ पे 1 cm का मोर्टार लगाएंगे, फिर आपकी जो दूसरी लेयर है ब्लॉक मशीनरी की उसको लगाएंगे। क्लियर। तो आपका 1 cm का मोर्टार टॉप में और आपका 200 mm का डेप्थ, तो कितना हो जाएगा ये, 210 mm। क्लियर। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखें जो लेंथ है 0.41 मीटर, आपका ब्रीथ है 0.2 मीटर। क्लियर। ब्रीथ आपका सेम रहेगा, आप ये ब्रीथ देख रहे हैं यहाँ पे 8 इंची ब्लॉक में 200 mm, वो आपका सेम रहेगा। वो सेम इसलिए रहेगा क्योंकि इसके पीछे हम कोई ब्लॉक नहीं लगाने वाले हैं। जो आपका ब्लॉक्स होते हैं वो सिंगल लाइन में उनका मशीनरी होता है, ब्लॉक्स का सिंगल लाइन में मशीनरी होता है, उसके पीछे हम कोई ब्लॉक नहीं लगाने वाले हैं बैक पोर्शन में। तो जो उसका ब्रीथ होगा वो आपका सेम रहेगा 200 mm, और जो इसका डेप्थ हो जाएगा 210 mm। क्लियर। तो इस तरह से ये ब्लॉक की डायमेंशन से विथ मोर्टार। इसके बाद हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक विदाउट मोर्टार। तो इसका वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक विदाउट मोर्टार निकालने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ये लेंथ 0.4, ब्रेथ 0.2 एंड डेप्थ 0.2। तो आपका जो वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक निकलेगा विदाउट मोर्टार 0.016 मीटर क्यों निकल आएगा। इसके बाद हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक विथ मोर्टार। तो इसमें जो हम लोग डायमेंशन यूज करेंगे विथ मोर्टार वाले यूज करेंगे 0.41 × 0.2 × 0.21। तो जो आपका वॉल्यूम निकल के आएगा 0.1722 निकल के आएगा। क्लियर। हमने वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक निकाल लिया है विदाउट मोर्टार, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक निकाल लिया है विदाउट मोर्टार। क्लियर। जब हम वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक विथ मोर्टार से वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक विदाउट मोर्टार को माइनस करेंगे तो आपके एक ब्लॉक में कितना मोर्टार आएगा उसकी क्वांटिटी निकल आएगी। वही मैंने यहाँ पे किया हुआ है, आप देख सकते हैं 0.172 − 0.016 को आप माइनस करेंगे तो एक ब्लॉक में कितना मोर्टार आएगा उसकी ये क्वांटिटी निकल के आई है 0.00122 m³ आपके एक ब्लॉक में मोर्टार की क्वांटिटी निकल आई है। क्लियर। इसके बाद हम लोग निकाल रहे हैं कि एक ब्लॉक का एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ वन ब्लॉक विथ मोर्टार। तो इसमें जो हम लोग लेंथ यूज करेंगे, जो इसकी डेप्थ यूज करेंगे, वो विथ मोर्टार यूज करेंगे। आप ये देख सकते हैं हम लोग इसका एरिया निकालने वाले हैं। इसी तरह से आपका ब्लॉक मशीनरी में ब्लॉक लगाया जाता है, तो हम लोग ये पूरा इसका एरिया निकालेंगे। जो आप एरिया देख रहे हैं फ्रंट में वो एरिया निकालेंगे। तो इसका एरिया निकालने के लिए जो आपको लेंथ दे रखी है,
जब हम ब्लॉक मेसनरी करते हैं तो विथ मोर्टार के करते हैं, तो यहाँ पे जो एरिया निकालेंगे वो भी हम विथ मोर्टार निकालेंगे। तो जो इसका लेंथ है 410 mm और जो इसका डेप्थ है 210 mm, उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये ब्लॉक का एरिया निकल आएगा विथ मोर्टार। तो वही मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है, मल्टीप्लाई किया हुआ है, आप देखेंगे G5 × I5 0.41 × 0.21, तो आपका एक ब्लॉक का एरिया निकल आएगा 0.861। क्लियर? तो यहाँ हमने एक ब्लॉक का एरिया निकाल लिया है 0.861, एक ब्लॉक में कितना मोर्टार आएगा 0.01221 निकाल लिया है। इसका हम निकालेंगे इसका रनिंग लेंथ। रनिंग लेंथ क्या होता है, ड्राइंग में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये आपको ड्राइंग दिया हुआ है, मैं थोड़ा जूम करता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, इस वाला जो आखिरी वाला जो बिंग है, 4 नंबर का जो आपका बिंग है, ये वाला, इसका हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। यदि आप किसी एक फ्लैट का एनालिसिस कर सकते हैं तो बाकी फ्लैट का भी आप ऑटोमेटिकली एनालिसिस कर लेंगे, क्योंकि आप ये मल्टी स्टोरी प्रोजेक्ट है तो ऑलमोस्ट सभी फ्लैट आपके सेम है 2 BHK के। क्लियर? तो हम लोग सबसे पहले ये आउटर वॉल का एनालिसिस कर रहे थे जिसमें हम लोग 8 इंची का ब्लॉक यूज कर रहे हैं। क्लियर? तो हम इसका रनिंग लेंथ निकालेंगे। आप देखेंगे मास्टर बेडरूम, तो आपको ये 2.75 × 3.05 मीटर का दिया हुआ है। क्लियर? इसका जो आप ब्रीथ देख रहे हैं, ये जो आप लेंथ देख रहे हैं, ये आपको 3.05 मीटर का दिया हुआ है। ये वाला लेंथ वर्टिकल यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपको 3.05 का दिया हुआ है, और ये यहाँ से लेके और ये आपका यहाँ तक इसका ब्रीथ 2.75 मीटर दिया हुआ है। तो हम इसको ऐड करेंगे 3.05 + 2.75, और ये आपका कॉमन टॉयलेट दिया हुआ है। कॉमन टॉयलेट का आपको ध्यान से देखेंगे तो इसका जो ब्रीथ है वो आपको 1.01 दिया हुआ है, तो हम उसको ऐड कर देंगे। उसके बाद ये आपको मास्टर बेडरूम दिया हुआ है। मास्टर बेडरूम में आप ध्यान से देखेंगे तो आपका जो ये ब्रेथ है वो आपको 2.75 मीटर का दिया हुआ है। तो हम वही ऐड करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे आपका 3.05, ये वाला लेंथ प्लस ये 2.75 ब्रेथ प्लस कॉमन टॉयलेट का ब्रेथ 101 प्लस ये आपका नॉर्मल बेडरूम का ब्रेथ 2.75 मीटर। तो हम इसको ऐड कर देंगे, वही मैंने एक्सेल शीट में पुट किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये रनिंग लेंथ है आपका, ये देखेंगे 3.05 दिस इज द लेंथ फॉर मास्टर बेडरूम, देन 2.75 दिस इज द ब्रीथ फॉर मास्टर बेडरूम, देन प्लस 1.01 दिस इज द ब्रीथ फॉर कॉमन टॉयलेट ऑफ मास्टर बेडरूम, देन वी एड 2.75 मीटर दिस इज द ब्रीथ फॉर द नॉर्मल बेडरूम, देन वी अगेन एड 3.05 मीटर दिस इज द लेंथ ऑफ नॉर्मल बेडरूम। आप देख सकते हैं इस तरह से 3.05 ये जो आपको लेंथ दिया हुआ हमने उसको ऐड किया हुआ है 3.05, ये आपके नॉर्मल बेडरूम का लेंथ दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग फिर आगे चलेंगे तो आपको ये दिखाई देगा, ये कॉमन टॉयलेट का ये आपको ब्रीथ दिया हुआ है 1.13 मीटर, तो हमने इसको भी ऐड किया हुआ है। और इसके बाद ये आपका किचन दिया हुआ है 1.83 मीटर का, इसको भी हम ऐड करेंगे यहाँ से लेके ये आपका यहाँ तक। और इसके बाद जो आपको हॉल दिया हुआ है, इसका जो लेंथ है हॉल का 3.51 मीटर, उसको भी हम ऐड करेंगे यहाँ से लेके और ये आपका यहाँ तक, इसको भी ऐड करेंगे। तो आपका ये पूरे आउटर वॉल का लेंथ निकल आएगा रनिंग मीटर में। क्लियर? तो हमने यहाँ तक ऐड कर लिया था 2.75 मीटर तक। उसके बाद हम ये ऐड करेंगे 3.05 प्लस ये आपका टॉयलेट का ब्रीथ 1.13, देन वी ऐड किचन का लेंथ 1.83, देन वी ऐड हॉल का लेंथ 3.51 मीटर। तो वही मैंने एक्सेल शीट में किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये आपको रनिंग लेंथ में ये आपको ऐड किया हुआ है 3.05 मीटर दिस इज द लेंथ फॉर नॉर्मल बेडरूम, और दैट इज द 1.13 मीटर ब्रीथ फॉर द कॉमन टॉयलेट्स, देन 1.83 मीटर लेंथ फॉर द किचन, देन 3.51 मीटर दिस इज द लेंथ फॉर हॉल। क्लियर? जब इस सबको ऐड करेंगे तो आपका आउटर वॉल का जो जिसमें हम लोग 8 इंची का ब्लॉक यूज कर रहे हैं उसका लेंथ निकल के आएगा रनिंग मीटर में आपका 19.08 मीटर। क्लियर? तो हमने ये लेंथ निकाल लिया है। इसके बाद आपका फ्लोर हाइट दिया हुआ है 3 मीटर। जब आप ड्रॉइंग को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा इसमें फ्लोर हाइट दिया हुआ है। ये नीचे जाएंगे आप इसके सेकेंड ड्रॉइंग में, ये देखेंगे आप इसका ये आपको ये एलिवेशन दिया हुआ है। जब आप ये हाइट देखेंगे तो आप ये देखेंगे आपको ये 3 मीटर का ये आपको हाइट दिया हुआ है जो फ्लोर हाइट है। तो हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एरिया निकल आएगा। तो वही मैंने एरिया निकाला हुआ, एरिया निकालने के लिए जो आपका रनिंग मीटर है इंटू आपका फ्लोर का हाइट, तो आपका क्या निकल के आएगा, एरिया निकल के आएगा, वही मैंने किया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल एरिया। एरिया निकालने के लिए आपका रनिंग मीटर इंटू हाइट 19.08 × 3, तो आपका टोटल एरिया निकलेगा 57.24 मीटर स्क्वायर।
तो ये आपके आउटर वॉल का एरिया निकल आया है, क्लियर, जिसमें हम लोग 8 इंची का ब्लॉक यूज कर रहे हैं। इसका हम लोग इसमें डिडक्शन करेंगे, आउटर वॉल में हम लोग डोर यूज करेंगे, विंडो यूज कर रहे हैं, वेंटिलेशन को यूज करते हैं, तो जो आपके डोर विंडो और वेंटिलेशन का जो एरिया होगा उसको हम डिडक्ट करेंगे तो आपका नेट एरिया निकलेगा। तो हम देखते हैं आपको आउटर वॉल में क्या क्या दिया हुआ है, जब ड्रॉइंग देखेंगे तो आपको सही से समझ में आएगा। ये आपका आउटर वॉल दिया हुआ है, आउटर वॉल में देखेंगे तो आपको आउटर वॉल में कोई भी डोर नहीं दिया हुआ है। आप ध्यान से देखेंगे तो आउटर वॉल में आपको कोई भी डोर नहीं दिया हुआ है, आपको विंडो दिया हुआ है, एक विंडो आपको मास्टर बेडरूम में दिया हुआ है, एक विंडो आपको नॉर्मल बेडरूम में दिया हुआ है ये, और एक विंडो आपको ये हॉल में दिया हुआ है। तो इस 2 BHK के फ्लैट में हम लोग 3 विंडो यूज कर रहे हैं, और विंडो का क्या लेंथ होगा, क्या ब्रेथ होगा, ये आपको यहाँ पे शेड्यूलिंग दिया हुआ है, आप ये देख सकते हैं। ये आपको विंडो का लेंथ ब्रेथ दिया हुआ है 1.2 मीटर बाई 1.2 मीटर। हम लोग 3 विंडो यूज कर रहे हैं, वही मैंने एक्सेल में पुट किया हुआ, आप यहाँ देखेंगे तो हमने इसका एरिया निकाला हुआ है विंडो का डिडक्शन करने के लिए, 1.2 मीटर × × 1.2 मीटर, और 3 विंडो यूज कर रहे हैं तो 3 का मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये विंडो का एरिया निकालेगा डिडक्शन करने के लिए। इस पर हम लोग वेंटिलेशन का एरिया निकालेंगे, कितना वेंटिलेशन यूज कर रहे हैं डिडक्शन करने के लिए, तो आप ड्रॉइंग में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। हम लोग 2 वेंटिलेशन यूज कर रहे हैं कॉमन टॉयलेट्स में, एक वेंटिलेशन आपको ये दिया हुआ है मास्टर बेडरूम की कॉमन टॉयलेट में, और एक वेंटिलेशन आपको ये नॉर्मल कॉमन टॉयलेट्स में दिया हुआ है। 2 वेंटिलेशन आपके इस प्रोजेक्ट में दिए हुए हैं 2 BHK फ्लैट में। तो वेंटिलेशन का आपको साइज दिया हुआ है, आप देखेंगे ये आपको वेंटिलेटर का जो साइज दिया हुआ है 0.6 मीटर बाई 0.6 मीटर का, आपको यहाँ पे 2 वेंटिलेशन दिए हुए हैं। तो वही मैंने माइनस किया हुआ है डिडक्शन के लिए, आप देखेंगे पहले तो उसका एरिया निकाला हुआ है 0.6 मीटर बाई 0.6 मीटर × 2, तो आपका जो वेंटिलेशन का एरिया निकल के आएगा 0.72 मीटर स्क्वायर। इसको हम लोग ऐड कर देंगे विंडो का वेंटिलेशन, सॉरी विंडो का डिडक्शन और वेंटिलेशन का डिडक्शन, तो आपको टोटल आपका जो डिडक्शन हो जाएगा 5.04 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका हम लोग नेट एरिया निकालेंगे, नेट एरिया किस तरह से आएगा, जो आपका टोटल एरिया आया था आउटर वॉल का उसमें से हम लोग टोटल डिडक्शन को माइनस कर देंगे तो आपका नेट एरिया आ जाएगा। तो वही देख सकते हैं मैंने यहाँ पे माइनस किया हुआ है 57.24 आपको टोटल एरिया दिया हुआ है, इसमें से मैंने टोटल डिडक्शन को माइनस कर दिया 5.04, तो आपको नेट एरिया निकल आएगा 52.2 स्क्वायर मीटर, क्लियर। तो हमने यहाँ पे नेट एरिया निकाल लिया। इसका हम लोग निकालने वाले नंबर ऑफ ब्लॉक, क्लियर। स्टार्टिंग में हम लोग निकाला था कि एक ब्लॉक का कितना एरिया होगा, आप देख सकते हैं एरिया ऑफ वन ब्लॉक 0.0861 आपके एक ब्लॉक का एरिया था विथ मोर्टार। तो हमारे पास टोटल एरिया दिया हुआ है आपका, आप ये देखेंगे आपको टोटल एरिया यहाँ पे दिया हुआ है नेट एरिया 52.24, क्लियर। तो नेट एरिया को हम लोग डिवाइड कर देंगे किससे, एरिया ऑफ वन ब्लॉक से, तो आपके नंबर ऑफ ब्लॉक निकल आएंगे। तो देखेंगे नीचे मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखा हुआ है नंबर ऑफ ब्लॉक निकालने के लिए, नेट एरिया डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ वन ब्लॉक विथ मोर्टार, तो आपके नंबर ऑफ ब्लॉक आ जाएंगे 607, क्लियर। 52.2 और डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ वन ब्लॉक 0.0861, तो जो आपके नंबर ऑफ ब्लॉक निकल के आएंगे 607, क्लियर। तो यहाँ पे हमने नंबर ऑफ ब्लॉक्स निकाल लिए। उसके बाद हम लोग निकालेंगे टोटल क्वांटिटी ऑफ मोर्टार फॉर आउटर 8 इंची ब्लॉक वर्क, क्लियर। एक ब्लॉक में जो मोर्टार लगेगा वो हमने स्टार्टिंग में निकाला था, आप ये देखेंगे क्वांटिटी ऑफ मोर्टार एक ब्लॉक में आपका कितना मोर्टार लगेगा, 0.00122 मीटर क्यूब मोर्टार लगेगा आपका एक ब्लॉक में। वो हमने कैसे निकाला था, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक विथ मोर्टार देन वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक विदाउट मोर्टार को माइनस किया था, तो आपका ये निकल के आया था एक ब्लॉक में मोर्टार 0.00122, क्लियर। तो ये आपके एक ब्लॉक का मोर्टार है, टोटल ब्लॉक आपके 607 है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आउटर वॉल को मेसनरी करने में जो आपका मोर्टार लगेगा 0.74 मीटर क्यूब लगेगा, क्लियर। इसका जो हम लोग मोर्टार रेशियो यूज कर रहे हैं, जो आपकी आउटर 8 इंची का जो ब्लॉक होता है उसमें जो मोस्टली मोर्टार रेशियो यूज करते हैं वो आपका होता है 1:6, 1 फॉर द सीमेंट और 6 फॉर द सैंड। आपका ड्राई वॉल्यूम फैक्टर 1.33 होता है, ड्राई वॉल्यूम फैक्टर आपने कॉन्क्रीट में यूज किया होगा, हमने अपने प्रीवियस सेशंस में डिस्कस किया है, वो होता है 1.54। आपका जो वेट वॉल्यूम होता है उसको ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, मोर्टार केवल सीमेंट और सैंड, तो इसमें जो ड्राई वॉल्यूम फैक्टर होता है वो होता है आपका 1.33 आपके वेट वॉल्यूम को ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए, क्लियर। इसका हम लोग निकालेंगे सीमेंट, सीमेंट निकालने के लिए जो आपको फॉर्मूला होता है आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है नीचे, वॉल्यूम इंटू 1.33 इंटू
सीमेंट रेशियो इंटू 29 और डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ सीमेंट रेशियो प्लस सैंड रेशियो, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है मोर्टार से सीमेंट निकालने का, आप उसको डायरेक्टली याद कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे हम लोग 29 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो आपका सीमेंट आएगा वो डायरेक्टली बैग में आएगा, क्लियर। यदि आप 29 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो जो आपका सीमेंट आएगा वो किस में आएगा, मीटर क्यूब में आएगा, क्लियर, क्योंकि एक मीटर क्यूब में आपके 28.8 सीमेंट के बैग होते हैं, क्लियर। तो इसमें हम लोगों ने वॉल्यूम को पुट किया हुआ, जो आपका वॉल्यूम आया हुआ है मोर्टार का आप देखेंगे 0.74 इंटू 1.3 इंटू सीमेंट रेशियो 1 इंटू मल्टीप्लाई बाई 29 और डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ रेशियो दैट इज 1+6 दैट इज 7। तो आपका जो सीमेंट निकल के आएगा 4.08 बैग निकल आएगा, क्लियर। इसका हम लोग सैंड निकालेंगे, सैंड निकालने के लिए भी आपका सेम फॉर्मूला होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम में हम लोग पुट करेंगे 0.74 मीटर क्यूब मोर्टार इंटू 1.3 इंटू आपका सैंड रेशियो, सैंड रेशियो आपका 6 दिया हुआ है, उसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 35.31 से और डिवाइड करेंगे समेशन ऑफ रेशियो जो कि आपका 7 है। तो यहाँ से आपका सैंड निकल के आएगा 29.81 क्यूबिक फीट, क्लियर। तो जो आपकी 2 BHK की फ्लैट की जो आपकी आउटर वॉल है जिसमें हम लोग 8 इंची का सॉलिड ब्लॉक यूज कर रहे हैं, तो उसको मेसनरी करने में आपका 0.74 मीटर क्यूब मोर्टार लगेगा, 4.08 सीमेंट बैग लगेंगे, करीबन आपका 30 क्यूबिक फीट सैंड लगेगा, क्लियर। तो इस तरह से हमने आउटर वॉल 8 इंची का एस्टीमेशन किया। अब हम करेंगे पार्टीशन वॉल, जो आपका पार्टीशन वॉल दिया हुआ है यहाँ देखेंगे, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है ये आपको पार्टीशन वॉल दिया हुआ है इनर वॉल 4 इंची का, क्लियर। तो इसकी जो ब्लॉक की डायमेंशन है आपका लेंथ सेम रहेगा 400 mm का, जो आपका ब्रेथ है वो चेंज हो जाएगा, पहले ब्रेथ हम लोग 8 इंची ब्लॉक के लिए 200 mm यूज कर रहे थे, अब जो हम ब्रेथ यूज करेंगे वो करेंगे 100 mm फॉर द 4 इंची ब्लॉक, और जो आपका डेप्थ है वो आपका सेम रहेगा 200 mm। तो यही मैंने आप लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं ब्लॉक डायमेंशंस विदाउट मोर्टार, तो आपका लेंथ सेम रहेगा 400 mm, ब्रेथ आपका चेंज हो जाएगा 100 mm और आपका डेप्थ 200 mm सेम रहेगा, मोर्टार थिकनेस आपका सेम रहेगा 1 cm 10 mm। उसके बाद हम लोग डायमेंशंस निकालेंगे, डायमेंशंस ऑफ ब्लॉक विथ मोर्टार, तो जो नॉर्मल डायमेंशन है ब्लॉक की उसमें हम लोग क्या करेंगे मोर्टार को ऐड कर देंगे, तो आपका लेंथ निकल आएगा, ये आप देख सकते हैं आपको लेंथ दिया हुआ है 400 mm, क्लियर। इसके बाद हम लोग यहाँ पे मोर्टार लगाएंगे नेक्स्ट ब्लॉक को ज्वाइन करने के लिए, तो मोर्टार का थिकनेस हम लोग ऐड करेंगे 1 cm, तो 400 mm प्लस आपका 1 cm मोर्टार फॉर द ज्वाइनिंग ऑफ नेक्स्ट ब्लॉक, तो ये आपका हो जाएगा 410 mm। तो वही मैंने यहाँ पे पुट किया हुआ है, आप देख सकते हैं 410 mm। इसके बाद आपका जो ब्रीथ है, ब्रीथ आपका सेम रहेगा 0.1 meter, आप ये देख सकते हैं आपको ये ब्रीथ दिया हुआ है 100 mm का, वो सेम रहेगा, वो सेम इसलिए रहेगा क्योंकि आपका जो ब्लॉक मेसनरी होता है वो सिंगल लाइन में होता है, इस ब्लॉक के पीछे हम लोग कोई ब्लॉक नहीं ज्वाइन करने वाले हैं, तो आपका ब्रिथ सेम रहेगा 100 mm का। इसका जो आपका डेप्थ आता है 200 mm दिया हुआ है, इस ब्लॉक के ऊपर हम लोग दूसरे लेयर को लेइंग कराएंगे, तो आपका यहाँ पे मोर्टार का थिकनेस लगाएंगे 10 mm का, क्लियर। तो हम इसको ऐड करेंगे 200 mm प्लस 10 mm मोर्टार फॉर द नेक्स्ट लेयर ऑफ ब्लॉक मेसनरी, तो आपका टोटल डेप्थ हो जाएगा कितना 210 mm। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं 210 mm, क्लियर। इसके बाद हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक विदाउट मोर्टार, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 इंटू 0.1 ऑफ 0.2, तो आपका निकल के आएगा वॉल्यूम ऑफ वन ब्लॉक विदाउट मोर्टार 0.008 मीटर क्यूब, क्लियर। इसके बाद हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक विथ मोर्टार, तो इसके लिए हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 0.41 इंटू 0.1 इंटू 0.21, तो आपका वॉल्यूम निकल के आएगा 0.00861, क्लियर। इस पर हम लोग निकालेंगे कि एक ब्लॉक में कितना मोर्टार आएगा, तो अभी हमने निकाला वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक विथ मोर्टार से माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक विदाउट मोर्टार, तो आपके एक ब्लॉक का मोर्टार की क्वांटिटी निकल आएगी जो कि कितनी आ रही है 0.0061 मीटर क्यूब, क्लियर। इसके बाद हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ वन ब्लॉक, एरिया ऑफ वन ब्लॉक निकालने के लिए आपका जो लेंथ दिया हुआ है आपका 410 mm और जो आपका डेप्थ दिया हुआ है 210 mm, उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एरिया ऑफ वन ब्लॉक निकलेगा विथ मोर्टार, क्योंकि जो ब्लॉक मेसनरी में हम लोग जो ब्लॉक लगाते हैं वो विथ मोर्टार ही लगाते हैं, तो इसलिए हमने जो एरिया निकाला है वो भी हमने विथ मोर्टार ही निकाला है, मल्टीप्लाई किया है 0.41 इंटू 0.21, तो आपका ये 0.0861 निकल के आया है, क्लियर। यहाँ पे हमने 4 इंची ब्लॉक के लिए एरिया निकाल लिया है और 4 इंची ब्लॉक के लिए एक ब्लॉक में कितना मोर्टार आएगा वो निकाल लिया है। इसके बाद हम ड्रॉइंग के थ्रू निकालेंगे आपका रनिंग लेंथ, क्लियर।
तो रनिंग लेंथ निकालने के लिए आप देखिएगा किस तरह से रनिंग लेंथ निकाला जाता है ड्राइंग से। आप ये देखेंगे आपका ये फोर्थ बीइंग दिया हुआ है जिसका भी हम लोग एनालिसिस कर रहे थे। ये तो जो आपकी इनर बॉल्स हैं वो आपकी सारी पार्टीशंस बॉल हैं 4 इंची की, आप देख सकते हैं डायमेंशंस में डिफरेंस है। तो आप ये देखेंगे आपको मास्टर बेडरूम दिया हुआ है, तो मास्टर बेडरूम का जो आपको ब्रेथ है यहाँ से लेके और ये आपका यहाँ तक आपको दिया हुआ है 2.75 मीटर। उसके बाद जो आपकी मास्टर बेडरूम का जो लेंथ है वो भी आपको दिया हुआ है 3.05 मीटर, क्लियर। उसके बाद आपकी जो टॉयलेट है उसका ब्रेथ 101 आपका मीटर। उसके जो आपका नॉर्मल बेडरूम है उसका लेंथ आपको दिया हुआ है 3.05 मीटर। उसको हम ऐड कर देंगे तो ये हमने ऐड किया हुआ है, देखेंगे 2.75 मीटर प्लस आपका 3.05 मीटर प्लस ये आपका 101 मीटर, देन लेंथ ऑफ बेडरूम नॉर्मल बेडरूम 3.05 मीटर। वही मैंने एक्सेल में पुट किया हुआ है, आप देख सकते हैं ये आपका दिया हुआ है रनिंग लेंथ 2.75 मीटर, दिस इज द ब्रेथ ऑफ मास्टर बेडरूम, देन एड 3.05 मीटर, दिस इज द लेंथ फॉर मास्टर बेडरूम, देन वी एड 3.05 मीटर, दिस इज द लेंथ ऑफ नॉर्मल बेडरूम, देन वी अगेन एड 1.01 मीटर, दिस इज द ब्रेथ ऑफ कॉमन टॉयलेट ऑफ मास्टर बेडरूम, देन वी एड 2.75 मीटर, दिस इज द ब्रेथ ऑफ नॉर्मल बेडरूम, ओके, देन वी एड 1.13। तो ये देखते हैं आपका 1.13 क्या दिया हुआ है ड्राइंग में। यहाँ पे देखेंगे आपको ये दिया हुआ है कॉमन टॉयलेट्स, कॉमन टॉयलेट में देखेंगे आपको ये ब्रेथ दिया हुआ है जिसमें डोर लगा हुआ है, ये आपको 1.13 मीटर का ब्रेथ दिया हुआ है। तो हम इसको ऐड करेंगे इसके बाद, और ये आपका कॉमन टॉयलेट का जो लेंथ दिया हुआ है 1.84 मीटर, क्लियर। उसके बाद आपको किचन का लेंथ दिया हुआ है 1.83 मीटर, जो आपकी लेफ्ट साइड का बॉल है, और किचन की जो आपकी राइट साइड का बॉल है उसका लेंथ दिया हुआ है 1.83 मीटर। इसका जो आपकी यूटिलिटी है उसका भी आपको लेंथ दिया हुआ है 1.83 मीटर। तो हम इसको ऐड करेंगे, आपका ये देखेंगे 1.13 मीटर का आपका कॉमन टॉयलेट्स का ब्रेथ, देन वी ऐड द लेंथ ऑफ कॉमन टॉयलेट 1.84 मीटर ये वाला, देन वी ऐड 1.83 मीटर, दिस इज द लेंथ ऑफ किचन फ्रॉम द लेफ्ट साइड, देन वी अगेन ऐड 1.83 मीटर लेंथ ऑफ किचन फ्रॉम द राइट साइड, देन वी ऐड लेंथ ऑफ यूटिलिटी। वही मैंने एक्सेल में पुट किया हुआ है, आप देख सकते रनिंग लेंथ में, ये यहाँ से हम लोगों ने कंटिन्यू किया है 1.13 मीटर, ये आपको दिया हुआ है कॉमन टॉयलेट का ब्रेथ, 1.84 मीटर आपको कॉमन टॉयलेट का लेंथ दिया हुआ है। इसके बाद आपको 1.83 मीटर जो आपकी किचन दी हुई है उसकी लेफ्ट साइड का लेंथ है, 1.83 मीटर आपका अगेन से जो किचन दी हुई है उसकी राइट साइड का लेंथ है, 1.83 मीटर आपको ये यूटिलिटी का लेंथ दिया हुआ है, और जो आप ये 0.76 देख रहे हैं वो आपको यूटिलिटी का ब्रेथ दिया हुआ है, क्लियर। और जो आप 3.05 मीटर देख रहे हैं वो आपको मेन एंट्रेंस का जो आपका फ्रंट एंट्रेंस है उसका लेंथ दिया हुआ है। तो आप एक्सेल में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये देखेंगे आपको यूटिलिटी का जो ब्रेथ दिया हुआ है आपको 0.76 ये आपको मीटर दिया हुआ है, ये आपका यूटिलिटी है, ये आपका ब्रेथ दिया हुआ है 0.76, तो हमने उसको ऐड किया। उसका जो आप देखेंगे आपका जिसमें मेन डोर दिया हुआ है, जो आपका मेन एंट्रेंस है, मेन डोर है ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये भी आपका 4 इंची का है, आप देख सकते हैं। तो इसका जो आपको ब्रेथ दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3.05, तो वही मैंने ऐड किया हुआ है एक्सेल शीट में, आप देख सकते हैं ये आपका 3.05 जो मेन डोर का जो लेंथ दिया हुआ है, और 0.76 आपको यूटिलिटी का ब्रेथ दिया हुआ है। जब हम इसको कंप्लीट ऐड करेंगे तो आपका जो लेंथ निकल के आएगा 24.88 मीटर निकल के आएगा। जो आपकी पार्टीशन वॉल को जब हम ऐड करेंगे तो आपका टोटल लेंथ निकल के आएगा 24.88, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, रनिंग लेंथ। इसके बाद आपको फ्लोर हाइट आपका सेम रहेगा 3 मीटर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 24.88 × 3, तो आपका जो टोटल एरिया निकल के आएगा 74.64, क्लियर। तो जो आपकी इनर वॉल्स दी हुई है, जो आपकी पार्टीशन वॉल दी हुई है, तो उसका जो एरिया निकल के आया है टोटल 74.64 मीटर² निकल आया है। उसके बाद हम लोग डिडक्शन करेंगे, ये आप देख सकते हैं डिडक्शन, जो आपकी पार्टीशन वॉल है उसमें जो आपके डोर्स दिए हुए हैं, जो आपकी विंडो दी हुई है, और जो आपके वेंटिलेशन दिए हुए हैं, उनको हम माइनस करेंगे। तो सबसे पहले डोर का डिडक्शन करेंगे, तो आप डोर देखेंगे ड्राइंग में तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले आपको एक मेन डोर दिया हुआ है, आप देखेंगे मेन एंट्रेंस का जो डोर दिया हुआ है, मेन डोर एक ही है और उसके डायमेंशन आपको दिए हुए हैं, आप ये देखेंगे शेड्यूलिंग में, ये देखेंगे आपको मेन डोर का डायमेंशन दिया हुआ है 1 × 2.1। तो हम इसका एरिया निकालेंगे डिडक्शन के लिए, वही मैंने एक्सेल में पुट किया हुआ है, आप देख सकते हैं ये डोर का डिडक्शन है,
ये देखेंगे आप 1 × 2.1 करेंगे तो आपका मेन डोर का एरिया निकल आएगा रिडक्शन करने के लिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे आपका विंडो क्लियर, तो आप ड्राइंग देखेंगे तो आपको समझ में आएगा किस तरह से डिडक्शन किया जाता है। तो आप देखेंगे आपको जो पार्टीशन वॉल है उसमें आपको कोई भी विंडो नहीं दिया हुआ है, दूसरे डोर्स दिए हुए हैं जो नॉर्मल डोर हैं। आप देखेंगे एक आपको मास्टर बेडरूम में डोर दिया हुआ है डी, एक आपका नॉर्मल बेडरूम में डोर दिया हुआ है डी, तो ये आपके दो डोर दिए हुए हैं डी और डी। तो आप देखेंगे इसका डायमेंशन आपको दिया हुआ है, ये देखेंगे नॉर्मल डोर के डायमेंशन दिए हुए हैं 0.9 × 2.1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एरिया निकल आएगा। ये हम लोग दो डोर यूज कर रहे हैं, एक नॉर्मल बेडरूम में एक मास्टर बेडरूम में, तो वही मैंने यहाँ पे किया हुआ है। आप देख सकते हैं 2 × 0.9 × 2.1, तो जो आपका मास्टर बेडरूम में डोर लगा हुआ है, जो आपका नॉर्मल बेडरूम में डोर लगा हुआ है, तो इसका टोटल एरिया निकल आएगा। क्लियर, इसका हम लोग और देखते हैं दूसरे डोर्स और इसमें दिए हुए हैं। इसका जो आपकी यूटिलिटी है, सॉरी यूटिलिटी है जो आपके कॉमन टॉयलेट्स उसमें जो डोर आए हुए हैं, आप देखेंगे D1, एक D1 आपका कॉमन टॉयलेट्स में दिया हुआ है, एक D1 आपके दूसरी कॉमन टॉयलेट में दिया हुआ है, और एक D1 आपका यूटिलिटी में दिया हुआ है। तो आपके 3 D1 डोर दिए हुए हैं, 1, 2 और ये आपका 3। तो इसकी डायमेंशन आप देख सकते हैं, ये दी हुई है शेड्यूलिंग में, ये आपका D1 डोर अलग है और D डोर अलग है। तो आपको ये 0.75 × 2.1 का डोर दिया हुआ है, जिसको हम लोग कॉमन टॉयलेट्स और यूटिलिटी में यूज कर रहे हैं 3 क्वांटिटी में। तो आप इसका एरिया किस तरह से निकालेंगे आप देख सकते हैं, मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ 0.75, दिस इज द ब्रेथ ऑफ डोर, देन 2.1 दिस इज द लेंथ ऑफ डोर, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो आपके 3 डोर दिए हुए हैं। तो आपके टोटल डोर का एरिया निकल आएगा जिसको हम रिडक्शन में यूज करेंगे। तो टोटल डोर का जो एरिया आया वो आया आपका 10.605 मीटर स्क्वायर। क्लियर, और इसमें हम लोग विंडो भी यूज नहीं कर रहे हैं, वेंटिलेशन भी यूज नहीं कर रहे हैं पार्टीशन वॉल में, तो इसमें केवल आपके डोर्स का डिडक्शन होगा। इसका टोटल डिडक्शन भी आपका सेम हो जाएगा 10.075 मीटर स्क्वायर। इसका हम लोग नेट एरिया निकालेंगे, जो आपका टोटल एरिया है पार्टीशन वॉल का, उसमें से हम लोग डोर का एरिया माइनस कर देंगे डिडक्शन के लिए, तो आपका नेट एरिया निकल आएगा। तो वही मैंने किया हुआ है, आपका टोटल एरिया दिया हुआ है 74.64, उसमें से डोर का डिडक्शन कर दिया है 10.605, तो आपको नेट एरिया निकल के आएगा 64.035 मीटर स्क्वायर। क्लियर, इसके बाद आपके नंबर ऑफ ब्लॉक्स निकालेंगे। नंबर ऑफ ब्लॉक्स निकालने के लिए मैंने नीचे फॉर्मूला लिखा हुआ है, नेट एरिया जो आपका 64.035 पे एरिया ऑफ वन ब्लॉक जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, आप ये देखेंगे एरिया ऑफ वन ब्लॉक 0.0861, तो हम डिवाइड कर देंगे 64.035 डिवाइडेड बाई 0.0861, तो आपके नंबर ऑफ ब्लॉक निकल आएंगे 744। क्लियर, तो जो आपके पार्टीशन वॉल है इसमें जो ब्लॉक आ रहे हैं 4 इंची के, वो कितने हैं आपके 744। क्लियर, इसका हम लोग टोटल क्वांटिटी ऑफ मोर्टार निकालेंगे। एक ब्लॉक का जो मोर्टार है 4 इंची के लिए, वो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, आप देखेंगे 0.0061, ये आपके 4 इंची के एक ब्लॉक में मोर्टार आएगा। टोटल ब्लॉक आपके आ रहे हैं 744, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल क्वांटिटी ऑफ जो आपको मोर्टार निकल के आएगा वो आएगा 0.45384 मीटर क्यूब। क्लियर, जो आपकी पार्टीशन वॉल है जिसमें हम लोग 4 इंची का ब्लॉक यूज कर रहे हैं, उसकी मेसनरी करने के लिए जो आपको टोटल मोर्टार आएगा 0.45 मीटर क्यूब लगेगा। क्लियर, और जो आपकी पार्टीशन वॉल है वो हम लोग यूज कर रहे हैं 4 इंची का, इसीलिए इसमें जो आपकी सीमेंट सैंड का रेशियो रखते हैं, आपकी वॉल की थिकनेस कम होती है 4 इंची, इसलिए हम लोग क्या करते हैं इसमें रिच मोर्टार यूज करते हैं। तो इसमें 1:4 का मोर्टार रेशियो यूज कर रहे हैं, 1 आपका सीमेंट है, 4 आपका सैंड है। ड्राई वॉल्यूम फैक्टर आपका सेम रहेगा 1.33। सीमेंट सैंड निकालने के लिए हम लोग सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, वॉल्यूम, तो आपका इसमें वॉल्यूम कितना हो जाएगा 0.453 मीटर क्यूब। तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे आपका वॉल्यूम 0.453 मीटर क्यूब, मल्टीप्लाई करेंगे 1.33 से, सीमेंट रेशियो आपका 1 हो जाएगा, देन मल्टीप्लाई करेंगे 29 से और डिवाइडेड करेंगे समेशन ऑफ सीमेंट रेशियो प्लस सैंड रेशियो से, दैट इज 1 + 4 = 5। तो आपका जो सीमेंट निकल के आएगा वो आएगा 3.5 सीमेंट बैग्स। क्लियर, इसी सेम फॉर्मूले से हम लोग सैंड निकाल लेंगे, सैंड का जो रेशियो है वो आपका 4 दिया हुआ है। क्लियर, तो वॉल्यूम में पुट करेंगे हम लोग सेम 0.45 मीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाई 1.33, देन मल्टीप्लाई बाई सैंड रेशियो दैट इज 4, देन मल्टीप्लाई बाई 35.31 और डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ रेशियो सीमेंट रेशियो प्लस सैंड रेशियो दैट इज 5। तो आपका जो सैंड निकल के आएगा वो आएगा 17.05 क्यूबिक फिट। क्लियर, तो आप देख सकते हैं जो आपकी पार्टीशन वॉल है उसकी मेसनरी करने के लिए आपको 3.5 सीमेंट बैग लगेंगे, 17.05
0.05 क्यूबिक फीट आपको सेंड लगेगा। तो आप देख सकते हैं किस तरह से आपका ब्लॉक का एस्टिमेशन किया जाता है, किस तरह से नंबर ऑफ ब्लॉक निकाले जाते हैं, किस तरह से मोर्टार निकाला जाता है, किस तरह से आपकी ड्राइंग को रीडिंग किया जाता है, किस तरह से हम लोग रनिंग लेंथ निकालते हैं। ये बहुत ही शॉर्टेस्ट मेथड है ब्लॉक वर्क का एस्टिमेशन करने के लिए। क्लियर? तो आप देख सकते हैं इस 2 BHK फ्लैट को मेसनरी करने के लिए आपको जो टोटल मोर्टार लगेगा वो आपका लगेगा 1.19 m³। इसमें जो टोटल सीमेंट बैग लगेंगे 7.58 बैग्स लगेंगे, जो आपका टोटल सेंड लगेगा वो 46.86 क्यूबिक फीट लगेगा। क्लियर? तो आप देख सकते हैं किस तरह से एक फ्लैट का एस्टिमेशन किया जाता है। क्लियर? तो हम लोगों ने ये देखा किस तरह से कंप्लीट आपका एस्टिमेशन किया जाता है एक पर्टिकुलर फ्लैट का। तो हमने इस एक पर्टिकुलर फ्लैट का एस्टिमेशन किया, आउटर वॉल्स में ब्लॉक निकाले 8 in के, इनर पार्टीशन वॉल में हम लोगों ने ब्लॉक निकाले 4 in के। इसी सेम प्रोसेस से आप जो दूसरे आपके फ्लैट दिए हुए हैं उसी का निकाल सकते हैं। आपके ऑलमोस्ट सभी फ्लैट्स सेम ही हैं, चाहे तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो आपका निकल आएगा। ये आप देख सकते हैं आपके एक विंग में आपके 2 फ्लैट दिए हुए हैं, यहाँ पे 4 विंग हैं, तो आपके एक फ्लोर पे 8 फ्लैट दिए हुए हैं। आप एक फ्लैट का एनालिसिस करके 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका जो ब्लॉक का एस्टिमेशन है वो हो जाएगा। क्लियर? आई होप ये सब चीजें आपको समझ में आई होंगी। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस सेशन यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्टिंग एंड एनकरेजिंग अवर RQST टीम इन दिस लॉकडाउन पीरियड। इफ यू वांट मोर कंटेंट लाइक दिस फ्रॉम द लाइव प्रोजेक्ट ऑफ डिफरेंट ड्रॉइंग्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल Rainforest Quantity Surveying and Training Institutes। ओके, थैंक यू सो मच, कीप ऑलवेज लर्निंग।